हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारी महिलाओं का, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और जैसे महीने दर महीने उनके वीक्स कंप्लीट होते जाते हैं, डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने लगता है, उनको ये काफ़ी ज़्यादा समझने में दिक्कत आती है कि मुझे डिलीवरी के लक्षण जो होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी जो आप एक्सपेक्ट करती हैं, तो उसके सिम्टम्स कब से फील होना शुरू हो जाएंगे, कितने हफ्ते पहले से आपको सिम्टम्स फील होना शुरू होंगे, या फिर आपको स्पेशली कुछ ऐसे लक्षण आपके बॉडी में दिखाई देने लगेंगे जिससे पता लग जाएगा कि आपकी डिलीवरी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। एग्जैक्टली जो पहली बार माँ बन रही है उनके लिए तो बहुत उलझन भरी, परेशानी भरी बात होती है और उनको बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो मैं आज आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको समझना है घर बैठे कि अब आपका डिलीवरी का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्पफुल ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें जो भी महिला प्रेगनेंसी में है जिनको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। होता यह है कि किसी भी प्रेग्नेंट महिला को जब फर्स्ट टाइम आप डॉक्टर विजिट पे जाते हैं, आपके पीरियड्स मिस होते हैं, आपको पता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ रिपोर्ट्स निकलवाते हैं, आपके कुछ जांच कराए जाते हैं, हो सकता है यूरिन टेस्ट करके गए होंगे आप, या फिर डॉक्टर कराएंगे या ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि पता चल जाता है बेटा एसजी का लेवल देखने के बाद कि ये महिला प्रेग्नेंट है। तो उस टाइम डॉक्टर आपको फर्स्ट विजिट में ही ये पूछती है कि लास्ट आपके पीरियड डेट कब थी, मतलब लास्ट पीरियड कब आया था। तो आप कोई भी डेट वहां पे बता देती हैं कि लास्ट 2 तारीख को आया था या 5 तारीख का, हर महिला का अलग अलग पीरियड आता है। तो आप जब पीरियड बताती हैं कि मेरा मैम इस टाइम पे पीरियड आया था लास्ट टाइम, तो डॉक्टर फिर उसी दिन से जब आपके पीरियड्स आए थे, जिस समय आए थे, जिस दिन आए थे, उस दिन से लेकर के 40 हफ्तों का कैलकुलेशन मेथड कैलेंडर में वो ऐड करके देखती हैं। मतलब कि जिस दिन आपके लास्ट पीरियड डेट थे उस दिन से 40 हफ्ते वो जोड़ती हैं दिनों को, और फिर उसमें 1 वीक और प्लस ऐड करके आपको फिर ड्यू डेट एक दी जाती है, डिलीवरी डेट दी जाती है, जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी एक्सपेक्टिंग जो डिलीवरी डेट है ये है। लेकिन वो एग्जैक्टली जो होता है वो थोड़ा दिन ज़्यादा रहता है, 1 वीक ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं है ना कि आपका ओवुलेशन कब हुआ है, आपका कब रिलेशन बनाया था, कब ओवुलेशन हुआ था, कब आपका एक फर्टिलाइज्ड हुआ था, इसलिए वो मैक्सिमम टाइम लेकर के चलते हैं। अब आपको ड्यू डेट तक वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी के लिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ड्यू डेट जो दी गई है उसके 1-2 हफ्ते पहले से भी लक्षण महसूस हो सकते हैं, जो आपकी डिलीवरी डेट है उसके 1-2 दिन पहले से भी आपको सिम्टम्स फील हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा कि मैम अल्ट्रासाउंड में जो ड्यू डेट होता है वो चेंज होता रहता है, तो उसका जो कैलकुलेशन मेथड है वो अलग होता है, उसमें जो है बच्चे की फिजिकल मूव एक्टिविटी, उसकी डेवलपमेंट सब कुछ देखकर उसमें ड्यू डेट जो है वो, तो वो जो डेट है वो आपको जो डॉक्टर ने ड्यू डेट दिया है उसके आसपास की, आगे पीछे की भी हो सकती है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर ने आपको ड्यू डेट दिया है बस उस तक वेट करना है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखिए कि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो 36 हफ्तों के बाद ही आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, 37वें हफ्ते के बाद, तो वो हेल्दी डिलीवरी होती है नॉर्मल डिलीवरी। इट मीन्स कि आपको जो सिम्टम्स फील होंगे वो 36-37 हफ्तों के बाद ही होंगे, और इसमें सबसे पहला सिम्टम्स आपको फील होगा फॉल्स लेबर पेन का। कई बार लेबर पेन जो फॉल्स होता है वो आता है, फिर रह रहकर रुक जाता है, फिर से आता है। जब एग्जैक्टली लेबर पेन शुरू होते हैं तो कमर की तरफ से घूमते हुए वो नाभि के नीचे आपको फील होते हैं, बहुत ज़्यादा जोर जोर से आते हैं, उसकी टाइमिंग कम होती चली जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि आपकी पानी की थैली फट जाती है, ब्रेक हो जाता है, तो इसमें कपड़े जब गीले होते हैं, गंदे होते हैं, तो महिला समझ जाती है। तीसरा लक्षण होता है कि बार बार आपको पेशाब लगता है, हर आधे घंटे पे जाना पड़ सकता है, हो सकता है आपका म्यूकस प्लग भी टूट कर निकलने लगे, आपको एक चिपचिपा सा द्रव्य जैसा चिपचिपा डिस्चार्ज फील हो। ये म्यूकस प्लग होता है जिसका जो कलर होता है पिंक कलर का होता है, वाइट कलर का भी हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स होते हैं, और इस समय महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा चिंता करना, ऑटोमेटिकली घबराहट होना, ये सब कुछ अपीयर होने लग जाता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जब रिलैक्सिंग हार्मोन आपके बॉडी में बनने शुरू हो जाते हैं, जो बच्चेदानी का मुँह खोलते
हैं तो इस तरह से महिला फील करने लगती है। तो बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है और इसी से समझ में आ जाएगा आपको कि आपकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर मैंने आप लोगों की काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे उसमें से ये एक कमेंट पिक किया है जिसपे वीडियोज़ बनाए हैं। तो आई रियली होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपने कोई कमेंट है आपके, कोई अपने पर्सनल आप सुझाव देना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, अपना तब तक पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।